हम कक्षा 10वीं हिंदी का पठन पाठन करेंगे। इसमें हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधुनिक काल पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षा में अपन ने वीर गाथा काल या आदिकाल, उसकी विशेषताएं, और फिर उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल, रीतिकाल के कवि, उनकी रचनाएं और रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ा। आज अपन आधुनिक काल का पठन पाठन करेंगे। आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहते हैं। वर्तमान काल मतलब जो आज इस समय अभी चल रहा है वह सब वर्तमान काल कहलाता है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला और साहित्य सभी के प्रति नए नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को अनेक विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जिसको निम्नानुसार है। पहला, भारतेंदु युग सन 1850 से लेके 1900 तक। दूसरा, द्विवेदी युग सन 1900 से लेकर 1920 तक। फिर आता है छायावादी युग, छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक। फिर प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 तक। प्रयोगवादी युग सन 1943 से 1950 तक। फिर नई कविता सन 1950 से आज तक। बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आधुनिक को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मतलब नएपन के प्रति मोह के साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति, राजभक्ति और तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग था, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का भरपूर प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ, जिसका माध्यम खड़ी बोली है। इस युग में प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता था। भारतेंदु युग में जिन साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों का बीज बोया गया था वह द्विवेदी युग में खूब फला फूला। अब भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं। पहला है राष्ट्रीयता की भावना। इस युग में कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया। फिर सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी। तीसरा है हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए गए। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग में कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं के माध्यम से प्रकट किया। फिर आता है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य आदि। छठवां है
काव्य अनुवाद की परंपरा, मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी में भी काव्यों का अनुवाद किया गया। अब आते हैं बच्चों, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति और प्रेम मल्लिका। फिर आते हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमधन की उपाधि मिली, इनकी है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी आदि। फिर आता है प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास आदि। फिर कवि जगमोहन सिंह की रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजिनी आदि। फिर अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं भारत धर्म, हो होरी और पावन पचासा। राधा चरण गोस्वामी, इनकी रचनाएं हैं नव भक्त माल। अब आता है दूसरा द्विवेदी युग। इस युग में खड़ी बोली के परिनिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये आपको आता है बच्चों परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिसमें नव जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। एक और खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया गया। अब आते हैं द्विवेदी युग में कविताओं की विशेषताएं। पहला देशभक्ति। द्विवेदी युग में देशभक्ति को बहुत बड़ा आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषय पर लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। दूसरा, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। तीसरा आता है वर्णन प्रधान कविताएं। वर्णन प्रधान इस युग की कविताओं की विशेषता है। चौथा, मानव प्रेम। द्विवेदी युग की कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। फिर आता है पांचवा, प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति को अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण किया गया। छठवा, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित रूप प्रदान करती है। फिर है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहला, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रस कलश। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं पंचवटी, जय द्रथवत, भारत भारती, साकेत और यशोधरा, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण आदि। फिर पांचवे कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं काव्य मंजूषा और सुमन इत्यादि।
अब आते हैं छायावाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य शुक्ल के प्रस्तुत में इस आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार की है कि छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। द्विवेदी युग की इतिवृत्तांतमकता स्थूलता और नैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी कविता का विकास हुआ। छायावाद में सामूहिकता के विरुद्ध वैयक्तिकता, रूढ़िवादिता के विरुद्ध स्वच्छंदता, स्थूल के प्रति सूक्ष्म बौद्धिकता एवं यथार्थ के प्रति भावुकता तथा कल्पना और अभिधा प्रधान वर्णात्मक शैली की प्रतिक्रिया में लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। छायावाद के कवियों को जहां एक ओर बांग्ल साहित्य और विशेषकर कविंद्र रविंद्र से प्रेरणा प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर वर्ड्सवर्थ शैली, टेनिसन, कीट्स और बायरन जैसे अंग्रेजी भाषा के कवियों का भी प्रभाव पड़ा। रूढ़िवाद का विरोध हुआ। इस युग का कवि मानववादी दृष्टिकोण लेकर चला। प्रकृति को चेतन माना और उसका मानवीकरण किया गया। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहां कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष और शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा, श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्र सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। उसकी अभिव्यंजना में कल्पना और सूक्ष्मता है। तीसरा, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसने प्रकृति को प्रेसी के रूप में अपनाया है, तो कहीं नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया है। सौंदर्य अनुभूति। यहाँ सौंदर्य का अभिप्राय काव्य सौंदर्य से नहीं, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से है। बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमती है। सौंदर्य उपासक कवियों ने नारी के सौंदर्य को नाना रंगों का आवरण पहनाकर व्यक्त किया है। पांचवा, वेदना एवं करुणा का आधिक्य। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति की रहस्यता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है।